बीजेपी की भोवा से पूर्व विधायक सीमा देवी ने पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ अवैध खनन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सीमा देवी ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनने के 2 साल बाद भी माइनिंग पॉलिसी को लेकर अटकलें चल रही हैं, जिसका फायदा खनन माफिया उठा रहा है और इसी के चलते भोवा क्षेत्र में रावी नदी में लगातार खनन हो रहा है। सरकार रावी नदी में हो रहे खनन को रोक पाने में नाकाम हो रही है। सरकार अभी तक माइनिंग पॉलिसी नहीं ला पाई है, जबकि चुनावों से पहले कैप्टन अमरिंदर सत्ता में आते ही खनन माफिया पर नकेल कसने की बातें किया करते थे। इस पिंड विच असी आए हैं, हैबत पिंडी लागे दरिया पैंदा एक राजी वेली, और बड़े दिनों तो ये लोगों की मंग सी कि साढ़े इत्थे जिहड़ा है नजायज़ माइनिंग जिहड़ी हो रही है। तो थोड़े 2-4 दिन पहले मैं भी तारागढ़ विच जिस तरह देखिया कि इन्ने की ट्रैफिक सी, इन्ने की वड्डे ट्रक लंघ रहे सी कि मेरी गड्डी नू ही मोड़ कट्टण लई जिहड़ा आ उह 10 मिंट लग गए। तो बहुत सारे लोग जिहड़े आ इस इलाके दे परेशान सी, लेकिन असी भी 2 साल तो देख रहे सी प्रशासन दा जां जिहड़ी मौके दी सरकार है कि उह कोई पॉलिसी बनाणगे, कोई सीट बनाणगे, तो पॉलिसी मुताबिक जिहड़ा आ इत्थे जिहड़ा माइनिंग जिहड़ी होए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बनाया सरकार ने। अज जिसले दरिया विच देखिया तो तुसी देख रहे हो कि मीडिया राही ये तुसी पूरे जिले नू दसो जां पूरे पंजाब नू दसो कि पंजाब सरकार की किन्नी की नलायकी हैगी है, और उन्होंने जिहड़े रेत माफिया लोग ने जिहड़े किस तरह इत्थे बेनजायज़ जिहड़े रेत पुट्टी जा रही है,